तो गाइस मैं हूं सत्यम और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचे कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। ये सोचने वाली बात नहीं है क्या सच में मुमताज का मकबरा था या कुछ और था? क्या ताजमहल हिंदुओं का मंदिर था? क्या ताजमहल कब्र का या महल था? क्या ताजमहल का पहले का नाम तेजोमाल्य था? तेजोमाल्य होने का सबूत क्या है? ताजमहल में गुप्त स्थान क्या है? क्या सच में राजा जय सिंह से छीना गया था महल? आज हम इन सारी पॉइंट को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दरअसल बात यह है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्त कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी शोध पूर्ण पुस्तक में फैक्ट के माध्यम से ताजमहल के पीछे का रहस्यों के बारे में पूरे विस्तार रूप से अपनी पुस्तक में लिखा है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? ये बात भी आपके मन में जरूर चलता होगा कि ताजमहल हिंदुओं का है या मुस्लिम का। आज इसके बारे में पूरा रहस्य बताने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। नंबर वन, क्या सच में मुमताज का मकबरा था या कुछ और था? इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसीलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। यदि शाहजहां के चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल का वास्तव में निर्माता होता तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज को किसी दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया उसका अवश्य उल्लेख होता। ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं, शहजहां के लिए मुमताज का कोई मायने नहीं थे। बिकॉज जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हो उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जाए? जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज के लिए एक भी निवास नहीं बनवाया वह उसके मरने के बाद भव्य महल बनवाएगा। आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुढ़ानापुर में मुमताज की कब्र है जो आज भी ज्यों की त्यों है। बाद में उसके नाम से आगरे के ताजमहल में एक और कब्र बनी और भी नकली है। बुरहानपुर में मुमताज का शव आगरे लाने का ढोंग क्यों किया गया? माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उनके महल यानी कि ताजमहल पर कब्जा किया और वहां की संपत्ति हड़प कर उनके द्वारा लूटा गया। खजाना छुपाकर सबसे निचले माला पर रखा था जो आज भी रखा है। मुमताज का इंतकाल 1631 के बुरहानपुर के बुलाड़ा में हुआ था, वही उन्हें दफना दिया गया था। बट माना जाता है कि उसके 6 महीने बाद राजकुमार शाह सुजा की निगरानी में उनके शरीर को आगरा लाया गया। आगरा के दक्षिण में उन्हें स्थायी तौर फिर से दफन किया गया और आखिर में उन्हें अपने मुकाम यानी ताजमहल में दफन कर दिया गया। पुरुषोत्तम के अनुसार शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया, वो भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथा कथित इतिहासकार ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू रोमियो जूलियट जैसा लिखा जिसके चलते फिल्म भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता है। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी, उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल में दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आया, उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम चर्चा में इसलिए आया बिकॉज युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया था और वह मर गई थी। शाहजहां के बादशाह बनने के बाद 2.5-3 वर्षों में ही मुमताज की मृत्यु हो गई थी। इतिहास में मुमताज से शाहजहां के प्रेम का उल्लेख जरा भी नहीं मिलता है। यह तो अंग्रेज शासनकाल के इतिहासकारों के मनगढ़ंत कल्पना है जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। शाहजहां युद्ध कार्य में ही व्यस्त रहता था, वह अपने सारे विरोधियों को ही हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, क्या ताजमहल हिंदुओं का मंदिर था या नहीं? इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूत कई मौजूद हैं। सबसे पहले यह मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलित देता है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर उसे कैसे उन्हें 1631 में ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी थी।
दरअसल 1632 में हिंदू मंदिरों को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली के छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारे के खड़ी की गई, फिर सामने स्थित फवाड़े को भी फिर से बनाया गया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। क्या ताजमहल कब्रगाह या महल था? कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा है? बिकॉज पहले से निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया। ताजमहल को ताजमहल समझना हास्यास्पद है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा होगा, बिकॉज उनकी बेगम का नाम था मुमताज उल जमानी। यदि मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मोगुल में लिखते हैं, बाबर ने सन 1630 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई। वाटिका वाला तो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसको जितान दूसरा कोई भारत में महल नहीं। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूं नामा नामक अपने ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल यानी कि मिस्टिक हाउस के नाम से देती। अब चलते हैं नंबर 4 पे। क्या ताजमहल का पहले का नाम तेजोमाल्य था? ओक के अनुसार प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमादिदेव के शासनकाल में 1155 अश्वसनी शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गौरी सहित कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वार आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना ज्यादा बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, बट वे ज्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजमहल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी मीनारें बहुत बाद के काल में निर्मित की गई है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तु शास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए उसका नाम तेजमहल पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन को उल्लेख ताजमहल के नाम से किया, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजोमहल से मेल खाता है। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज, एतमादउद्दौला और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया। इस बात को स्वीकारना ही होगा कि ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले शब्द तेजोमहल शब्द का अपभ्रंश है। तेजोमहल मंदिर में आगेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वाले लोगों ने अवलोकन किया होगा कि तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्र वाले कमरे में पुष्प लाता आदि से चित्रित पच्चीकारी की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर के जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ है। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 पॉइंट को ही कवर किए हैं। अगर पूरा रहस्य को बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिए हैं। बाकी के बचे पॉइंट नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, बिकॉज वो करना बिल्कुल फ्री है। जैसे ही पार्ट 2 की वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।